नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों HAL दैट इज़ ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें MT और DT का रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और बहुत सारे इसमें जो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं जो कि कैंडिडेट की माइंड को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वही मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपके मन में है और वो HAL के द्वारा जो है ऑफिशियल जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया है, तो उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है कि आई हैव कम्प्लीटेड BE इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, एम आई एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल डिज़ाइन ट्रेनिंग अंडर द मैकेनिकल डिसिप्लिन। देखिए, एकदम साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि कैंडिडेट पोजेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन अ ब्रांच अदर देन द ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग स्पेसिफाइड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इक्विवेलेंट यहाँ पर जो दिया गया है वही सिर्फ चलेगा, अदर इक्विवेलेंट नहीं चलेगा अदर देन एडवर्टाइजमेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट मैकेनिकल के जो यहाँ पर MT और DT जो यहाँ पर पोस्ट है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आई हैव कम्प्लीटेड इंटीग्रेटेड डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स दैट इज़ अ BTEC प्लस MTEC, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। तो यस, कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो कैंडिडेट पोजेसिंग इंटीग्रेटेड डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन्स एंड द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप एलिजिबल से अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड ही और सी हैज सिक्योर द मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स इन द इंटीग्रेटेड डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है कि आई हैव कम्प्लीटेड 3 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल आफ्टर डूइंग द 3 ईयर डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग इन द मैकेनिकल, एम आई एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल एंड द डिज़ाइन ट्रेनिंग। तो देखिए, यस, प्रोवाइडेड यू हैव स्कोर द प्रिस्क्राइब मार्क्स इन द इंजीनियरिंग डिग्री एंड फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जिनके मन में सवाल होता है कि क्या 3 साल डिप्लोमा करने के बाद 3 साल के BTEC मैंने किया है तो एलिजिबल्स हैं या नहीं, तो आप एलिजिबल्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि कैन कैंडिडेट पोजेसिंग BCA, MCA, BSc, MSc कंप्यूटर साइंस डिग्री अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल अंडर द कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो देखिए, नो, ओनली कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विच मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग IMM डिज़ाइन ट्रेनिंग बाई पेइंग द एप्लीकेशन फी सेपरेटली। तो देखिए, यहाँ पर जो है साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि नो, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई आइदर फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग IMM और डिज़ाइन ट्रेनिंग विच इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर यू। अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर एंड द एप्लीकेशन फी पेड इफ एनी विथ स्टैंड फॉरफिटेड। तो यहाँ पर आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं क्षमा भी चाहूँगा, मैंने एडवर्टाइजमेंट वाले में मैंने ध्यान नहीं दिया था और वहाँ बता दिया था कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, चाहे आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें। उसके देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड द डिज़ाइन ट्रेनिंग पोस्ट। देखिए, पोस्ट एडवर्टाइज फॉर द डिज़ाइन ट्रेनिंग आर फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द R&D सेंटर्स फॉर द कंपनी। सिमिलरली, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस प्रोडक्शन ओवरऑल सर्विस डिवीजन ऑफ द कंपनी, द फंक्शंस एंड द डिटेल ऑफ द R&D सेंटर्स एंड द प्रोडक्शन ओवरऑल सर्विस डिवीजन कैन बी व्यूड बाई विजिटिंग द हॉल वेबसाइट। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिकॉग्निशंस ऑफ माई डिग्री, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिज़ाइन ट्रेनिंग, प्लीज़ इंश्योर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस इज अ रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपको 10+2+4 सिस्टम या फिर 10+ diploma+ degree आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद द 7.7 CGPA, आई डोंट नो अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ द कन्वर्टिंग द CGPA टू परसेंटेज, वट शुड आई डू। तो देखिए, इन केस ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर द कन्वर्टिंग CGPA टू द परसेंटेज नॉट मैंशन इन योर मार्कशीट ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री, यू मे कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी फॉर द क्लैरिफिकेशन। फर्दर, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टेंटेटिवली शेड्यूल इन द मंथ ऑफ May 2022। उसके बाद, आई एम वर्किंग इन द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शुड आई फॉरवर्ड माई अप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और द ब्रिंग NOC फ्रॉम माई एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट इंप्लॉयड इन द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट PSU शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर देयर एम्प्लॉयर, फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको और ट्रेवलिंग लॉसेस भी नहीं दिए जाएंगे। उसके देखिए, माई फादर इज एन हॉल एम्प्लॉई, कैन आई अप्लाई एज इंटरनल कैंडिडेट। तो नो, ओनली परसेंट रेगुलर एम्प्लॉई ऑन द रोल्स ऑफ द हॉल कैन अप्लाई एज
इंटरनल कैंडिडेट। तो आपके माता पिता से कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं तो स्पेशली फादर का यहाँ मेंशन किया गया, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो वर्किंग जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है सहूलियत। उसके बाद आई एम करेंटली इन द फाइनल सेमेस्टर्स ऑफ द माई इंजीनियरिंग डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग, तो अप्लाई यस आप। लेकिन आपको इंटरव्यू के समय आपको सब कुछ जो है यानी मई 2022 तक आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। उसके देखिए आई हैव सिक्योर 65% इन द फाइनल सेमेस्टर एंड आई बिलोंग्स टू योर कैटेगरी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनी, तो देखिए 65% ही मांगा गया है तो इतना जो है आपको होना चाहिए। उसके देखिए कुछ कम है 64.99 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एकदम जो है 65 या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। हाउ द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क वी कैलकुलेटेड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, द टोटल मैक्सिमम मार्क्स एंड द टोटल मार्क ऑब्टेंड फॉर ऑल द सेमेस्टर्स ईयर विल बी समड अप टू द अराइव एट द एग्रीगेट मार्क्स, कैन द राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट होल नंबर, नो यहाँ पर राउंडेड ऑफ नहीं करना है। विल एनी वेटेज टू असाइन टू एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर्स, नो कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखिए OBC सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था कि 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। तो देखिए नॉट ओल्डर देन दिस मंथ एज ऑन 2 मार्च 2022 तक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके देखिए हु इज़ द इंटाइटल फॉर द रिलैक्सेशन कंसेशन एडमिनिस्ट्रेबल टू द पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी, 40% से यहाँ पर और उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए आई हैव OBC NCL सर्टिफिकेट विच वॉज इशूड ड्यूरिंग द ईयर 2021, तो एम आई एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द OBC, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई, हाउएवर ही और सी नीड टू इंश्योर टू सबमिट एन OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज़ नॉट ओल्डर देन 6 एज ऑन 2/3/2022, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर EWS के लिए अलग से आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पर और अलग अलग बातें कि फॉर्म जो है, तो कैन आई मेल और फैक्स अ पेपर कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो कोई भी यहाँ पर नहीं भेजना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाउएवर आई नो द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिटिंग द पेमेंट डिटेल द सिस्टम विल एप्लीकेशन कन्फर्मेशन मैसेज वट डिटेल्स शुड बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपको द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आई हैव पेड द एप्लीकेशन फी इन द बैंक एंड सबमिटेड द पेमेंट डिटेल्स ऑनलाइन बट नॉट शोइंग, तो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम यू कैन व्यू द एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज बाय इंटरिंग योर ईमेल आई डी डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन कैन इट बी व्यू अगेन, तो नो, तो यहाँ पर फिर से आप नहीं देख सकते। और देखिए कैन आई गेट द सिलेबस फॉर द ऑनलाइन सेक्शन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजाइन ट्रेनिंग, तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधी बात बताई गई है कि 20 MCQ जनरल अवेयरनेस के, 40 में आएंगे इंग्लिश और रीजनिंग, और 100 क्वेश्चन जो होंगे कंसर्न डिसिप्लिन से। तो सिलेबस ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल IMM सिविल एंड द डिजाइन ट्रेनिंग, तो यहाँ पर गेट 2022 का सिलेबस होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बाकी सबका अलग अलग दिया गया है। कैन आई गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हॉल डज नॉट प्रोवाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो देखिए जो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेट पेपर सॉरी नहीं होता है, और डेट एग्जामिनेशन का है 7, 8, और 9 अप्रैल को, और एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आपको बता देगा है कि कैन आई चेंज माई प्रेफरेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कैन आई मेक पेमेंट बाई चेक अदर देन तो डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, तो अदर देन द प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ द पेमेंट नॉट अदर मेथड। बिल हॉल रिफंड द एप्लीकेशन फीस, तो नॉन रिफंडेबल है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी 500 रुपया जैसा कि मैंने बताया, तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है 2-3 तक कर सकते हैं। और देखिए कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर आप जो है देखिए हाउ वुड आई कम टू नो इफ देयर एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, तो हॉल के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर ईमेल है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर और है यहाँ पर एक कि विल हॉल पब्लिश इट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन इन एनी ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर और हायर थ्रू कंसल्टेंट, तो देखिए रिक्रूटमेंट इन हॉल इज कैरिड आउट थ्रू द वेल एस्टैब्लिश सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजिंग, तो देखिए फ्रॉड के लिए बेसिकली है, तो ये वेबसाइट है यहीं से आप जो है पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैंने पूरा जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन 40 थे मैंने सब कुछ एक एक करके डिस्कस किया है, तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हॉल के जो ऑफिशियल चैनल है उससे या आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू।